अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है, तो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड मैंने जो है यहाँ पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी हैं। क्लास 11th हिंदी पेपर सॉल्यूशन, साथ में वो इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, और फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दिया, और सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि हम जब भी कोई अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। जितने भी क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और साथ में अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, जिससे कि उनको भी इसका सॉल्यूशन पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो होगा आपका सही विकल्प, जिसके पहले का आंसर होगा मोल। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोल। दूसरे का आंसर हो जाएगा 14। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर होगा फ्लोरीन। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्रव्य का नहीं केवल ऊर्जा का। और पाँचवें का आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आज दोस्तों आपके पास क्वेश्चन पेपर जरूर होगा। ठीक है, आप उससे जो है मैच करके अपने आंसर को लिख लें। यहां पर आप देखेंगे कि पहले वाले का आंसर है यूरे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है एस ब्लॉक। तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस CO2। चौथे का आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और पाँचवें का आंसर हो जाएगा प्रवासी आश्वान। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, आप चैनल पर आकर जो है देख लें, क्योंकि 3 से ज़्यादा वीडियो को नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। तो आप जो लोग जो है वो क्या कर लें कि अपना जो है ना चैनल पर आकर बार बार चेक करते रहें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी सही जोड़ी है आपकी, सही जोड़ी में सबसे पहले का है, पहला है गीगा, तो उसका आंसर है 10^9। ठीक है, दूसरा है एम्पियर, तो है विद्युत धारा का मात्रक। तीसरा है निष्क्रिय गैस, तो वो है H2P6। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है मानव रुधिर का pH, तो वो होता है 7.4। और पाँचवा है हाइड्रोलिथ, तो इसका आंसर है CaH2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, आप देख सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेरियम। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा धनावेश से आकर्षित। तीसरे का आंसर होगा दोस्तों एरोमेटिक। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर। और पाँचवें का आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुष्फलकीय। ठीक है, ये यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव्स के आंसर हो गए। अब चलिए मेन जो है क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो पाँचवें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वॉलमर सीरीज वीवी क्षेत्र। ठीक है, लायमन सीरीज दृश्य क्षेत्र। अब इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें आपको अपरूपता की परिभाषा देनी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई तत्व कोई रूपों में कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के अपरूप गैस कार्बन, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सातवें के अथवा का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको वोल्ट अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। जब किसी एल्कलाइड पर उसके ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है तब एल्केल हावला है, जिसे वोल्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूरी पूरी रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां क्वेश्चन।
तो आठवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका आंसर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षक के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आप देख सकते हैं ठीक है, यह रासायनिक समीकरण को संतुलित भी यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ दो हैं, अनुमान विधि और आश्रित समीकरण विधि। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें पी ऑर्बिटल के चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल सब दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र भी बनाए हुए हैं। ठीक है, सब कुछ फुल सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, तो दसवां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर अब आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, आयनन ऊर्जा। एक मोल विलगित गैसीय परमाणुओं के अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की आयनन एंथैल्पी अथवा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परिमाणक मान है एवं उस ऊर्जा को व्यक्त करती है जो एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने पर मुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है ग्यारहवां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन यहाँ पर का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आवर्त तालिका के अनुसार नंबर क्षारदी में धातु VMG दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑक्सीजन क्षारीय धातु है, सोडियम हेलोजन फ्लोरीन। अब इसके बाद दोस्तों बारहवां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, लुईस अम्ल से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर की लुईस अम्ल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी लुईस क्षार ये हैं। ठीक है, इसके बाद लुईस अम्ल, तो लुईस अम्ल वे अम्ल जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और लुईस क्षार वे क्षार जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो तेरह क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पर सर्च कर लें www.slt.in, वहाँ पर भी आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वेता प्रोटीनीकरण, तो जल के अणु में उपस्थित तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता प्रवृत्ति के कारण H2H1 के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है जिससे प्रोटोन मुक्त होता है। इस जल का श्वेता प्रोटीनीकरण कहते हैं। इसे निम्न प्रकार अभिक्रिया से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे महत्व, तो विलयन में हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है NH4 पॉजिटिव और CH3 COO नेगेटिव आदि का मापन करना। इसके बाद दोस्तों 14वें क्वेश्चन आ जाता है, 14वें क्वेश्चन देखेंगे आप, 14वें क्वेश्चन का आंसर ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वर्ग में ऊपर से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दोबारा वही क्वेश्चन पर आते हैं, तो 14वें क्वेश्चन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता है जाता है, अतः विकर्ण स्थिति में जाने पर परमाणु का आकार लगभग समान होता है, इसके कारण इनके गुण भी समान होते हैं। ठीक है, Li और Mg दोनों कठोर होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों को गर्म करने पर कार्बन के साथ संयोग करते हैं। आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की आप रिएक्शन भी देख देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है उसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है IPSC नाम आपको लिखना था, ठीक है, तो इसका आपको IPSC नाम लिखना था, तो वो है ब्रोमो एथेन। ठीक है, इसका जो है वो 1,2-dibromobenzene। इसके बाद 3rd नंबर का जो है इसका आंसर है एथेनॉल, और इसका आंसर है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 16वें क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर दिया है कि निकाय ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मा गति की परिवर्तन के अध्ययन के लिए चुना गया है निकाय कहलाता है। उसके बाद परिवेश, ऊष्मा गति की के अध्ययन के लिए चुने गए निकाय को अलिखित जो भी शेष है वह परिवेश कहलाता है। उसके बाद 3rd आता है आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ में उपस्थित तो उसकी सभी प्रकार की संभव ऊष्माओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, आंतरिक ऊर्जा को
यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आप एंथैल्पी। एंथैल्पी किसी तंत्र में संलग्न वह संपूर्ण ऊर्जा है जिसमें आंतरिक ऊर्जा और वायुमंडलीय कारकों जैसे दाब तथा आयतन के कारण प्राप्त ऊर्जा भी शामिल है। एंथैल्पी को एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तो वो है विस्तीर्ण गुण। तो तंत्र के वे समस्त गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं, उदाहरण द्रव्यमान, आयतन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17वां क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन, जिसमें कि है इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करता है, अतः इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, आप देख सकते हैं एन एस स्क्वायर एन पी वन माइनस सिक्स होता है। इसके बाद आप देखेंगे समूह के प्रथम सदस्य, ठीक है, तो समूह के प्रथम सदस्य आप देख ही सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आप देखेंगे थर्ड पॉइंट इसी में ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। इन सभी को ऑक्सीकरण अवस्था आप कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, आप स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है श्रृंखला अनुगुण, ठीक है। क्या आता है? श्रृंखला अनुगुण, ये आप देख सकते हैं अधिकांश परमाणु श्रृंखला युक्त यौगिक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुबंद बनाने का गुण, प्रथम सदस्य को छोड़कर बाकी पाईबंद बनाते हैं द्वारा स्वतः या दूसरे लाइन के तत्वों के बाद बहुबंद बनाते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपका वो है 18वां, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या पदार्थ रासायनिक सूत्र और IUPAC नियम आपको बताने थे, तो आप ये पूरे देख सकते हैं, ठीक है। इन सभी के जो है रासायनिक सूत्र आपको दिए हुए हैं और साथ में IUPAC नाम भी दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो को लेते हैं, अगर आपको भी पसंद है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।